हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए हमें उनसे एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनका ब्रेन एक्टिव रहे। ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी, बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ेगी और उन्हें मज़ा भी आएगा। पहले भी मैंने ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी शेयर की है और उसे आपने काफ़ी पसंद भी किया है, इसीलिए आज कुछ और एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही क्रिएटिव एंड कलरफुल है। आपको ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही फर्स्ट एक्टिविटी, व्हाट कम्स नेक्स्ट। यहाँ पे कलरफुल सॉक्स दिए हैं तो बच्चों को उनके कलर्स ऑब्जर्व करने हैं और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से कलर का सॉक्स आएगा वो देखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे रेड कलर का सॉक्स, ऑरेंज, ग्रीन, देन ग्रीन, रेड, ऑरेंज, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज कलर का सॉक्स आएगा तो यहाँ पे ऑरेंज के दो ऑप्शंस है। तो हम अब स्टार्स देखेंगे। स्टार्स यहाँ पे ऑरेंज कलर का स्टार है तो यहाँ पे ऑरेंज, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज कलर का स्टार आएगा। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का सॉक्स है और ऑरेंज कलर का स्टार भी है तो आंसर है फर्स्ट वाला, ये वाला। और ये बच्चों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों को कंप्लीट करनी है। तो ये है सेकंड एक्टिविटी, फाइंड टू आइडेंटिकल शेप्स। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हैं तो बच्चों को उनमें से दो शेप्स जो सिमिलर है वो ढूंढने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे रेक्टेंगल, उसके अंदर एक लाइन है तो ऐसा शेप कहाँ पे है वो ढूंढेंगे हम। यहाँ पे रेक्टेंगल लाइन, ये वाला, तो ये दो सिमिलर है मतलब एक पेयर हुआ। तो नेक्स्ट पेयर बच्चों को यहाँ पे ढूंढना है। इस एक्टिविटी से बच्चों की ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन स्किल इम्प्रूव होगी। ये रही थर्ड एक्टिविटी, फाइंड द राइट वे। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हैं तो बच्चों को उन्हें फॉलो करना है और स्टार्ट से एंड तक जाना है। तो पहले हम ए में जो डायरेक्शंस दिए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो पहला है डाउन, राइट एरो, अगेन राइट एरो, डाउन, डाउन, राइट, डाउन। पर हमारा टारगेट तो यहाँ पे है, मतलब ये पाथ गलत है तो हमें बी और सी में से कौन सा पाथ सही है वो चेक करना है। यह है फोर्थ एक्टिविटी, ये कोडिंग डिकोडिंग एक्टिविटी है। राइट द मिसिंग नंबर्स, राइट द लेटर दैट मैचेस ईच नंबर टू सॉल्व द रिडल। यहाँ पे बच्चों को मिसिंग नंबर कंप्लीट करने हैं और यहाँ पे जो लेटर्स दिए हैं उसके हेल्प से बच्चों को सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे 47, 47 आफ्टर 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। तो यहाँ पे पहला नंबर है 53, यहाँ पे 53 पे है आई, यहाँ पे लिखेंगे आई। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस फॉर्म होगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये रही फिफ्थ एक्टिविटी, द प्लेयर विद द लार्जेस्ट नंबर विंस। यहाँ पे टोटल 5 प्लेयर्स है, हर एक के पास 3 कार्ड हैं तो बच्चों को यहाँ पे देखना है नंबर नेम, नंबर एंड ऑपरेशंस करने हैं एंड देन उनका टोटल नंबर निकालना है। जिसका टोटल सबसे ज़्यादा होगा वो विनर होगा। जैसे कि यहाँ पे है राज, राज का है 9, यहाँ पे 9, 6 प्लस 3 9, तो इसका टोटल क्या हुआ, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, तो राज का टोटल हुआ 27। उसी तरह से बच्चों को बाकी के प्लेयर्स के नंबर निकालने हैं और जिसका नंबर सबसे बिग है वो विनर है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों को करनी है। ये रही सिक्स एक्टिविटी, काउंट दी शेप्स। यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं जो एक दूसरे से थोड़े से सिमिलर हैं तो बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ उन्हें आइडेंटिफाई करना है और देन काउंट करना है। जैसे पहले ये वाला पिक्चर हम देखेंगे, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 टाइम्स है तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे 7। उसी तरह से ये पिक्चर बच्चों को काउंट करना है और सही नंबर लिखना है। तो ये है सेवेंथ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बच्चों को स्क्वेयर्स काउंट करना है।
जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा वाला स्क्वायर है 1, ये वाला स्क्वायर 2, यहाँ से एक स्क्वायर बनता है 3, 4, देन 5, 6, इस तरह से और भी स्क्वायर से वो बच्चे को काउंट करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे करने में बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा और उनकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये रही नेक्स्ट एक्टिविटी, वी शेप्स आर मोर। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं तो हर शेप कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बच्चों को काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। ये शेप्स बच्चों को थोड़े कन्फ्यूजिंग लगेंगे तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये रही नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने 3-letter वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे सर्कल में लेटर्स लिखे हैं तो बच्चों को वर्ड्स के अकॉर्डिंग लेटर यहाँ पे स्टिक करना है। जैसे कि पहला मैंने यहाँ पे लिया बैट, ब एट बैट, तो यहाँ पे ब ए ट बैट, तो वो स्पेलिंग बच्चों को यहाँ पे लिखना है। बच्चों को बोल बोल के ये एक्टिविटी करनी है ताकि उन्हें स्पेलिंग्स याद रहे। इस एक्टिविटी से बच्चों के 3-letter वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी। तो ये रही लास्ट एक्टिविटी, पैटर्न मेकिंग विथ शेप्स। यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हैं, एक है रॉबर्ट और दूसरा है डॉग। इन पिक्चर्स को बनाने में अलग अलग शेप्स यूज़ किए हैं तो बच्चों को सेम पिक्चर इन शेप्स के अकॉर्डिंग लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पे है पहला है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे, देन उसे ट्रेस करना है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर है ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल यहाँ पे लेना है, उसे अगेन ट्रेस करना है। और ये एक्टिविटी बच्चों को इन शेप्स के हेल्प से कंप्लीट करनी है एंड देन लास्ट में उन्हें कलर करना है। ये एक फन एक्टिविटी है, इसे सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखी 10 ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। आपको इनमें से कौन सी एक्टिविटी पसंद आई ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।